नमस्कार साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और लगातार जिस विषय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं वो शिक्षक बहाली और शिक्षक बहाली को लेकर डोमिसाइल नीति की चर्चा फिर से आई है। और हम लोग का स्पष्ट कहना है कि डोमिसाइल नीति फिर से लागू होनी चाहिए, क्योंकि लगातार इस प्रकार का विरोध था और हम लोग उम्मीद भी किए हुए थे कि सरकार जो है काफ़ी विरोध हुआ। जब प्रथम भेज की बहाली 1,70,000 शिशुओं की बहाली का मुद्दा था और पहले डोमिसाइल नीति लागू था और उसके बाद अचानक सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया कि सरकार ने डोमिसाइल नीति को समाप्त कर दिया और देश के तमाम राज्यों से जो चीज़ें सामने आई कि अभ्यर्थी आए यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, उनको नियुक्ति पत्र दिया गया और सारी चीज़ें लगभग मुझे ऐसा जो न्यूज सामने आ रही है कि 14 से ज़्यादा राज्यों के अभ्यर्थियों ने शिक्षक बहाली में अपना योगदान दिया है, उनको नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना बन गई है और वो शिक्षक बनने की जो कवायद है वो पूरी हो जाएगी। हम लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि क्या बिहार के लोगों का लगातार ये मानना था और माननीय मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम अपने चुनावी भाषण में स्पष्ट कर रहे थे, खासकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी कि हम जब भी आएंगे बिहार के नौकरियों पर बिहारियों का ही हक है। और लगातार वो शिक्षक बहाली में हो चाहे डोमिसाइल नीति की चर्चा करते थे और उन्होंने कहा कि कैबिनेट के पहले बैठक से 10 लाख सरकारी नौकरी हम देंगे। तो क्या आप 10 लाख जो सरकारी नौकरी देंगे वो कि बिहार के लोगों के लिए होगा या अलग दूसरे प्रदेश के लोगों के लिए होगा? तो तमाम चीज़ें शिक्षक बहाली के मुद्दे पर लगातार डोमिसाइल नीति जब लागू हुआ फिर उसके बाद हटाया गया तो हम लोग पूरा विरोध किए। पूरा शिक्षक समुदाय, छात्र संगठन और तमाम ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने कहा कि नहीं, निश्चित रूप से ये राज्य सरकार का गलत फैसला है, इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। और विरोध हुआ भी परंतु ऐसा कुछ निकल के सामने नहीं आया और राज्य सरकार ने डोमिसाइल नीति को हटा दिया। साथियों, क्या बीएड वाले जितने भी लोग थे और जो भी बीएड डिग्री धारी हैं क्या देश के तमाम राज्यों से जाकर जैसे तैसे कर 1.5 लाख 2 लाख रुपए पैसे खर्च कर करके उनको बीएड की डिग्री मिलती है? और जब शिक्षक बहाली का मुद्दा आया लगभग आपने कहा कि हम 4 लाख शिक्षकों की बहाली करने जा रहे हैं और प्रथम फेज की जो बहाली थी उसमें 1,70,000 शिक्षकों की बहाली की नियुक्तियाँ आईं। अभी फिलहाल जो है 1,22,324 पद की बात हो रही है, परंतु जो चीज़ें सामने आ रही है कि उसमें 15,000 से 20,000 दूसरे प्रदेश के लोग हैं जो नौकरी के लिए बिहार में आवेदन किया, उनको नौकरी मिली, वो पास किए परीक्षा और तमाम चाहे वो 1-5 में हो, 9-10 में हो या 11-12 में, सभी वर्गों में उनको शिक्षक जो है जो परीक्षा है वो पास किए और उनको नौकरी मिली। तो क्या हम लोग इस बात की चर्चा नहीं करेंगे? क्या शिक्षक अभ्यर्थी या बिहार के युवा बेरोजगार जो है इस बात की चर्चा नहीं करेंगे कि राज्य सरकार ने कौन सा फैसला किया है? क्या बिहार की नौकरी पर उनका उनका हक नहीं? क्या बिहार की जो चीज़ें हैं, और तमाम राज्यों में आप चले जाइए, बगल का झारखंड है वहाँ पर डोमिसाइल नीति लागू है, वो स्पष्ट मुख्यमंत्री कहना है कि हम अपने प्रदेश में यहाँ के लोगों को नौकरी देंगे। उत्तराखंड चले जाइए, पश्चिम बंगाल में आपको शिक्षक बनने के लिए जो है वहाँ डोमिसाइल नीति लागू है। आप बगल में चले जाइए पश्चिम उत्तराखंड, तमाम राज्य, उत्तर प्रदेश शिक्षक बनने के लिए डोमिसाइल, बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो चीज़ों को लेकर बदलने की प्रक्रिया है वो है और डोमिसाइल नीति देश के तमाम राज्यों में लागू है। जब हम लोगों ने विरोध किया तो पुरजोर शिक्षक संगठनों और छात्र नेताओं ने विरोध किया, परंतु सरकार की जो मंशा थी उसका स्पष्ट थी, कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने के लिए, वोटों की राजनीति करने के लिए उन्होंने इस तरह के कदम उठाए हैं और डोमिसाइल नीति को उन्होंने हटा दिया। आज आप बात कर रहे हैं दूसरे चरण की बहाली की, फिर बात शुरू हुई है कि हम 1,10,000 या 70,000 लोगों की बहाली करेंगे, तो क्या इसमें भी डोमिसाइल नीति लागू होगा? परंतु हम लोग का स्पष्ट मानना है कि बिहार की नौकरियों पर सबसे बड़ा जो हक है वो बिहार के लोगों का है, बिहार के युवा बेरोजगारों का है, अभ्यर्थियों का है। तो लगातार जिस बात की चर्चा तेजस्वी यादव जी अपने ट्विटर हैंडलर से कर रहे थे या चुनावी भाषण में कर रहे थे कि हम सरकारी नौकरी देंगे, बिहार के लोगों को नौकरी देंगे, इस तरह की चीज़ों का क्या हुआ, उनकी बातों का क्या हुआ? अगर अपने बातों से आप मुकर रहे हैं तो याद कीजिएगा हम लोग भी लगातार जिस तरह की चीज़ों का मांग कर रहे हैं वो डोमिसाइल नीति है और डोमिसाइल नीति को इस बार आपको लागू करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें आप नहीं करना चाहते तो लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं। और अभ्यर्थियों की स्पष्ट बाराय है कि बिहार के नौकरी में है, अगर लोग अभ्यर्थी बिहार के लोगों को नौकरी आप नहीं देंगे तो फिर यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ के लोग दूसरे प्रदेश में जाएंगे, मजदूर बनेंगे, ठेला ठेलेंगे, रिक्शा चलाएंगे, होटल में मजदूरी करेंगे, धान काटेंगे, गेहूँ काटेंगे, यही करेंगे ना, बर्फ बेचेंगे। तो आप ये सब चीज़ों पर आप स्पष्ट समझ लीजिए कि जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, युवा हैं, उनको अगर आप नौकरी की बात कर रहे हैं तो डोमिसाइल के तहत उनको नौकरी मिलनी चाहिए और उनको पूरा हक है उनको, क्योंकि पढ़े लिखे हैं। कई प्रदेशों में जाकर उनको बिहारी होने का अपमान भी सहना पड़ता है, आपकी हाल में ही आपने देखा होगा, तेलंगाना में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में कई खबरें आती है, गुजरात में होती है घटनाएं, दिल्ली में होती है घटनाएं,
महाराष्ट्र में होती है घटनाएं, तो बिहारियों का क्या इस तरह से अपमानित होना पड़ेगा? और बिहार की सरकार इस तरह की चीजें करेंगी, जब नौकरी मिलेगा तो दूसरे प्रदेश के लोगों को यहाँ के नौकरी मिलना पड़ेगा। हम क्षेत्रवाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्षेत्रवाद को बढ़ावा नहीं देना रहे, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार सरकार को तुरंत डोमिसाइल नीति लागू करना चाहिए, जितनी भी बहाली आगे की बहाली जो भी शिक्षक बहाली होगी उसमें, और देश के तमाम राज्यों की तरह बिहार को भी डोमिसाइल नीति पर काम करना होगा, यही हम लोग की मांग है। और जो भी चीजें होंगी अगर सरकार नहीं करती है तो हम सारे संगठन, चाहे छात्र संगठन हो चाहे शिक्षक संगठन हो, एक बैठक बुलाएंगे और निश्चित रूप से सरकार को बाध्य होना पड़ेगा, उनको डोमिसाइल नीति लागू करनी पड़ेगी। ठीक है, मिलेंगे अगले अपडेट के लिए, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।